नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुखों NSA अजीत डोवल और CDS विपिन रावत के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। LAC में जैसे हालात बने हुए हैं उससे यही लगता है कि चीन के गुरूर को चकनाचूर किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती है। रक्षा मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। इस बैठक में चीन से बढ़ते तनाव और उसके समाधान पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे यहां 2 दिन फीडबैक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम पूरा होने के बाद दिल्ली लौटे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 दिन में करीब 175 सीनियर नेताओं से बात की, जिसमें कुल 18 घंटे बैठक की गई। सभी नेताओं ने अपने अपने मुद्दे माकन के सामने रखे। पार्टी में निर्दलीयों को ज़्यादा सम्मान मिलने के सवाल पर माकन ने कहा कि उस समय जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, निर्दलीयों और BSP के विधायकों ने हमें खुलकर समर्थन किया है। इसलिए ये सभी लोकतंत्र बचाने वाले योद्धा हैं जो किसी लालच और दबाव में नहीं आए। इन बातों को कांग्रेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने कार में हथियार लेकर घूम रहे 3 युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनकी कार से 2 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 तलवार बरामद हुई है। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में 2 से 3 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। पकड़े गए युवकों की पहचान शेरू खान, नितिन त्यागी, अजीत उर्फ जीतू के रूप में हुई है। इन सभी के पास से हथियार बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि यह तीनों कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राजस्थान में आज शुक्रवार को कोरोना के 740 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 115, जोधपुर में 89, अलवर में 82, अजमेर में 66, बीकानेर में 51, कोटा में 47, नागौर में 32, चित्तौड़गढ़ में 29, सीकर में 28, राजसमंद में 24, पाली में 21, गंगानगर में 20, उदयपुर और हनुमानगढ़ में 18, डूंगरपुर में 16, जालौर और झालावाड़ में 14, झुंझुनू और भरतपुर में 12, सिरोही और बांसवाड़ा में 11 और 12 में 10 संक्रमित मिले हैं। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना में एक युवक ने 2 बहनों व उसके परिवार के खिलाफ 4 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रविंदर कुमार ने आरोप लगाया है कि नीतू व इसकी बहन पूजा, इनका भाई प्रिंस और पिता सुरेंद्र कुमार ने मिलकर उससे 4 लाख रुपए हड़प लिए। रविंदर का आरोप है कि नीतू व पूजा ने फ्रेंडशिप का बहाना बनाकर उसे धोखे में लिया और अलग अलग किस्तों में करीब 4 लाख रुपए हड़प लिए। चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने फैंसरोडगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 50,000 की रिश्वत लेते के साथ रंगे हाथ ट्रैप करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि परिवादी मिथिलेश सिंह राठौड़ की फार्म SS एंटरप्राइजेस द्वारा ग्राम पंचायत झालर बावड़ी में किराए के मकान कार्यों के 62 लाख के बिलों के लिए किए गए भुगतान की एवज में 10% के हिसाब से कुल 6 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती व उनके भाई शौविक की जमानत खारिज कर दी गई। मुंबई के मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रिजर्व रख लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उधर प्रवर्तन निदेशालय रिया के खिलाफ नया केस दर्ज कर सकता है। मेगा हाईवे पर आज सुबह एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वह चिनाई का मिस्त्री था। सुबह बाइक लेकर गांव से मजदूरी के लिए जा रहा था। टाउन थाना पुलिस ने बताया कि कोला गांव के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पवन कुमार की मौत हो गई। वह रंजीतपुरा गांव का निवासी था। इसके शव को सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। जोधपुर के एक सिनेमा में 7 काम करने वाली युवती ने एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर आर्य समाज में शादी की, खुद की जाति छुपाई। अब युवक और उसके परिवार को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग कर रही है। अदालत में मिले इस्तगामे पर महामंदिर थाने में युवती के खिलाफ धोखे से शादी करने और गहने चुराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी
का चाल चलन सही नहीं है और वह नशे की आदि है। आरोपी है कि उसकी पत्नी ने उसका फोन, सोने की चेन, 75,000 रुपए चोरी कर लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में एक युवक ने दो जनों के खिलाफ नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि बनवारीलाल निवासी कुम्हारी वाली ढाणी ने विनोद कुमार व एक अन्य के खिलाफ 1,80,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट के लिए श्री गंगानगर भी परीक्षा केंद्र बन गया है। केंद्र सरकार ने यह सौगात दी है और इसका केंद्र डीएवी स्कूल बनाया गया है। इसी कारण चुनाव के लिए आयोजित होने वाला ट्रेनिंग कार्यक्रम अब डीएवी स्कूल के स्थान पर अरुणवंश स्कूल में आयोजित होगा। पूर्व में मोदी सरकार यहाँ जेईई मेन्स परीक्षा का केंद्र भी स्वीकृत कर चुकी है। श्रीगंगानगर जिले के घमूडवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह एक महिला नहर में कूद गई। उसको बचाने के चक्कर में महिला का पति और उसका जेठ भी कूद गए। महिला व उसका पति नहर से बाहर निकल गए जबकि जेठ पानी में ही बह गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। सूचना मिलने पर घमूडवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि साबू की मोड़ की एक महिला घर से निकल गई और नहर में आकर नहर में छलांग लगा दी। पति पत्नी को निकाल लिया गया। लापता जेठ को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान ओपन शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन आज से आरंभ हो गया। मटका चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन तो कोरोना काल से ही पूर्व में ही हो गया था, इससे परिणाम जारी करने में देरी अवश्य हुई। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए आंशिक तौर पर हलचल आरंभ हो गई है। जिला कलेक्टर कार्यालय से पिछले दिनों अनेक सरकारी एजेंसियों को ऑर्डर जारी किए गए हैं जिसमें अनेक कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया है। जिला कलेक्टर ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वह पेड़ों को हटाने और अन्य कार्य को पूर्ण करे। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगर परिषद को साफ सफाई करवाने के साथ साथ नक्शे के अनुसार निशान लगाने के आदेश दिए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।